नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे मैजिक वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको स्लाइस कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना सिखाऊंगा। दोस्तों स्लाइस कार्ड का पैसा आप जो कि आपके बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं 0% चार्ज पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं बट उनमें जो कि चार्ज आपको देना पड़ता है, बट ये तरीका आपको जो है कि 0% चार्ज पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो है कि कितनी भी लिमिट, यानी कि आप जो कि ऐसी कोई सी लिमिट नहीं है जितना आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पर अनलिमिटेड लिमिट है आप जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 50,000 भी लिमिट है, 1,00,000 भी लिमिट है, तो आप जो कि बहुत ही आसानी से वन क्लिक में यहाँ पर ट्रांसफर कर पाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो इस ट्रिक को जो है कि लास्ट तक जरूर देखना, इसके लिए आपको जो है हमारा वीडियो लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की, और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको जो है कि स्लाइस कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना है, स्लाइस कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करना है। तो ये ट्रिक आपको जो है कि जरूर फॉलो करना है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं स्लाइस कार्ड आपके पास में, इसमें कितनी भी लिमिट है आपके पास में। जैसे कि ये स्लाइस कार्ड है तो एक क्रेडिट कार्ड ये, बट हो सकता है ये मतलब ये रुपए कार्ड है, ठीक है। तो रुपए कार्ड बहुत जगह पर एक्सेप्ट नहीं करता है, बट एक ट्रिक है यहाँ पर जो है आप यहाँ पर हमेशा स्लाइस कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो या फिर रुपए कार्ड हो, सारे जो क्रेडिट कार्ड है उनका पैसा बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से आप। तो 0% चार्ज पर होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है कि यहाँ पर एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस अकाउंट का नाम है यहाँ पर रेजर पे, ठीक है। रेजर पे में आपको यहाँ पर जो है कि अकाउंट वगैरह बना लेना है और KYC वगैरह कर लेना है। इसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक से आप जो कि इसमें अकाउंट वगैरह बनाना और इसमें KYC अप्रूवल करवाना है। KYC अगर आपके पास में शॉप वगैरह है तो उसका यहाँ पर आप जो है कि अकाउंट बना सकते हैं, या फिर आप जो है कि किसी भी बिजनेस का यहाँ पर बिजनेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, वो तो आसानी से यहाँ पर जो कि फ्री में होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुल ओपन है, यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेट, ठीक है। तो अब जो है कि आपका एक्टिवेट हो चुका है, आपने सेटलमेंट का यहाँ पर रिक्वेस्ट ले लिया कस्टमर केयर से बात करके। अब जो है कि आपको करना क्या है, तो उसके लिए आपको जो है कि यहाँ पर पेमेंट लिंक जो दिखाई दे रही है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपका जो है कि यहाँ पर पेमेंट पेज है तो ये एक बार का काम रहता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो हम जो है कि पेमेंट पेज पर यहाँ पर क्लिक करके इसका काम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो पेमेंट पेज पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और पेमेंट पेज पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पेमेंट पेज का, उसको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो पेमेंट पेज क्रिएट करने के लिए आपको जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड में क्रिएट न्यू पेमेंट पेज, इस पर क्लिक करना है, और इससे आप जो कि पेमेंट पेज क्रिएट कर लेना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पेमेंट पेज क्रिएट कर रखा है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और देन किसी भी ब्राउजर में यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको ओपन करते हैं। चलो तो मैं यहाँ पर जो कि गूगल की सहायता लेता हूँ, तो यहाँ पर गूगल का यहाँ पर लेने के यहाँ, चलो ठीक है, यहाँ पर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो कि हमारी डिटेल्स आ जाएगी, और जो कि कुछ यहाँ पर आपने जो सर्विस ऐड कर रखी है वो सर्विस आपके सामने दिखाई देगी। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने जो कि यहाँ पर कुछ कोर्स वगैरह ऐड कर रखा है, देन आपके डिटेल्स वगैरह आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब जो है कि नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा आपका इंटर मोबाइल यहाँ पर अमाउंट डालना है, मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी डालनी है, देन आपको जो है यहाँ पर पे पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ, देन बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिटेल डाल दिए, देन मैं यहाँ पर पे पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर पे पर क्लिक कर देते हैं हम। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि आपके सामने बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। अगर जो ज़्यादा अमाउंट डालते हैं तो यहाँ पर जो कि EMI वगैरह और पे लेटर का सब कुछ आ जाता है, जो कि आपके पास में अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर आपका पे लेटर का पैसा किसी भी यहाँ पर जैसे लेजी पे, सिंपल पे, उसके बाद जेस्ट मनी वगैरह, तो सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। तो अब जो कि आपका जो कि रुपये कार्ड है, तो यहाँ पर जो कि मैंने आपको दिखा दिया पहले ही, मतलब बताया भी है, यहाँ पर वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपये कार्ड और मिस्टर कार्ड, यहाँ पर सारे कार्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है कार्ड पर क्लिक करना होगा। अब जो कि यहाँ पर आपको कार्ड डिटेल्स फिल करनी है, देन आपको यहाँ पर पे पर क्लिक करना है। तो मैं कार्ड डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ठीक है। कार्ड डिटेल्स मैंने डाल दी है, उसके बाद में यहाँ पर जो कि मैं CV नंबर वो डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको जो कि पे पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं पे नो पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको जो एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। तो हम थोड़ा OTP का वेट कर लेते हैं। OTP हमारे पास में आ चुके हैं, देन हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो कुछ ही समय में हमारा OTP यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, देन आपका जो कि जो भी कार्ड है आपका या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड का पैसा इसी ट्रिक से आप जो कि सेंड कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेरा कोटेक का क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखाया है। तो आप जो कि स्लाइस कार्ड का पैसा भी आप जो कि आपके इसी सेम ट्रिक से आप जो कि पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये लीजिट वर्क है, आप जो कि कमेंट में ये मत करना है कि ऐसा है वैसा है, ऐसा करके दिखा दिया, कोटेक से करके दिखा दिया, एक बार ट्राई करके जरूर देखना। अगर नहीं होता है देन आप जो कि हमारे चैनल पर यहाँ पर बैठ कमेंट भी कर सकते हैं, देन आप जो कि यहाँ पर हमारे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। बट वीडियो खत्म करने से पहले आपको जो कि आपका पैसा बैंक अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांसफर करना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस हम आ जाते हैं रेजर पे में।
अब रेजर पे मैं आ चुके हैं। उसके बाद मैं आपको जो कि यहाँ पर इंस्टेंट सेटलमेंट का जो दिखाई दे रहा है, सिंपली इंस्टेंट सेटलमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंस्टेंट सेटलमेंट आप जो कस्टमर केयर से ले सकते हैं, ठीक है। ये इंस्टेंट सेटलमेंट आपको मिलता नहीं है, या फिर अगर आप इसमें पैसे ऐड कर देंगे तो आपको 2 दिन बाद मिलेंगे। तो इसीलिए आपको जो इंस्टेंट सेटलमेंट ले लेना है, जो कि आपको 100 रुपये ज़्यादा होगा तो आप जो कि एक क्लिक में आपका पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पैसा यहाँ पर जो कि आ चुका है ये वाला। अब जो कि पैसा ये देख सकते हैं 3.92 यहाँ पर हमारे पैसा है। अब जो कि सेटलमेंट पर आप जिसे क्लिक करेंगे आपका पैसा यहाँ से बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है कि आपका क्रेडिट कार्ड या फिर स्लाइस कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफर। तो कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।